अटेंडेंस सही कहते हैं। इशिता को थैंक यू तो बोलना पड़ेगा, लेकिन पिछली बार की तरह कोई मामूली गिफ्ट देकर नहीं। क्या तुम उसको देखो जी मम्मी जी बचपन में मेरे साथ ना कॉलोनी में बैडमिंटन खेलती थी, हूँ इतनी बड़ी हो गई है देख ले। क्या न्यू डेट है आजकल? नहीं है दीदी। हाय, लेकिन तोशी जी मेनू बड़ी टेंशन हो रही है, फुल टर्म प्रेगनेंसी, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो। और चल पागल, जो मुंह में आता बोलती है, माता रानी की कृपा से सारा कुछ ठीक हो जाना है, और इसकी शक्ल से तो लगता है मुंडा होना है। ओ इशिता, इसके लिए प्रसाद ले गया। हाँ जी हाँ जी, मैं आ रही। ये रमन की बीवी इशिता। पम्मी की भांजी है पूजा। मैं ना थोड़ा सा ही लूंगी, मुझे ना ये खाने की स्मेल से ही कुछ हो रहा है। कोई गल नहीं, प्रसाद है चख ले पुत्र, थोड़ा चंगा होएगा तेरे लिए। मैं काम करती हूँ, आपके लिए फ्रेश नींबू पानी बनाती हूँ। तुम यहाँ क्यों आ गई? आराम से जाके बैठो ना, मैं वही लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, एक्चुअली मुझे ना बैठने को ही नहीं हो रहा, थोड़ा खड़ी होती हूँ ना थोड़ा अच्छा लगता है। सब कहते हैं कि लड़का होगा, इतनी किक मार रहा है। अच्छा वैसे भाभी, रूही की डिलीवरी से पहले आपको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता था क्या? वैसे डॉक्टर कहते हैं जरूरी नहीं है ऐसा हो। पम्मी मासी कहती है कि लड़की आसान होती है, ये मुंडे ही होते हैं जो इतनी तकलीफ देते हैं। ये आंटी और मासियां भी कैसे कैसे नुस्खे देती है ना। भाभी बहुत अच्छा है, थोड़ी चीनी दोगे क्या प्लीज? सबको ना क्रेविंग भी अलग होती है, मुझे ना मिठाई की क्रेविंग होती है, खीर आइसक्रीम और ठंडा, और वो होता है चुस्का, वो तो मुझे बहुत खाने का मन करता रहता है। वैसे भाभी आपको किस चीज की क्रेविंग होती थी? और रूही के टाइम पे गर्मियां थी या सर्दियां थी? पूजा, मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तुम बहुत लकी हो, बहुत खुश नसीब हो कि तुम मां बनने के हर फेज को देख पा रही हो। मैं मां नहीं बन सकती। रूही, रूही की माँ रमन की पहली बीवी है, मैं उसकी सेकंड वाइफ हूं। रूही मेरी नहीं, रूही रमन की बेटी है।
सुषमा, मैं आपकी बेटी हूँ। ठीक ही तो कह रही है बच्ची, वो आप ही की बेटी तो है। सॉरी, मैं तो ऐसे ही भगती रहती हूँ। नहीं, इट्स ऑल राइट। मैं एक मिनट रूही को। जी। मेरी बात सुनोगे? नो। आप मुझसे नाराज हो पापा की तरह? आपकी तरह। आज आपने भी वही किया ही सीमा जो पापा करते हैं। क्या किया मैंने? गुस्से में कुछ भी बोलते हैं। आपने भी कुछ भी बोल या सोचा भी नहीं। I'm sorry. I'm very sorry, मेरे बच्चा। ईशिमा को ऐसे नहीं बात करना चाहिए था। I know it, बेटा। You know what? मैं मुरुगन को एवरी डे थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे मेरा इतना प्यारा बच्चा मिला, मेरी रूही मिली। रियली थैंक गॉड एवरी डे बच्चा। सॉरी, लिसन, प्लीज लेट मी नो पापा। लुक एट मी, ए डार्लिंग छोटू, ईशिमा को माफ कर दो। नो, आज रूही आपसे बहुत गुस्सा है। आपने पापा जैसे बिहेव किया ना, तो अब आपको पापा जैसे ही सॉरी बोलना होगा। पापा जैसे? मैं समझ गई, तो आप हो ईशिमा, मैं हूँ रमन पापा, है ना? हाँ, शुरू हो जाओ। इशिता, रमन, रूही तुमसे नाराज है, उसे मनाना होगा। रूही मेरी बेटी है और उससे मुझे कैसे और किस तरह से डील करना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हें मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बेटी को एक गिफ्ट दूंगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे मेरी बेटी ने बताया कि लड़कियों को टॉयज पसंद होते हैं। वो फॉरएवर कुमार, इस बार वो इसलिए नाराज है क्योंकि तुमने गलत बात बोली और सॉरी भी नहीं बोला। सॉरी? सॉरी। खुश, अभी जाओ, अब मेरा दिमाग खराब मत करो। रूही को भी बोल देना कि मैंने सॉरी कह दिया है। झांसी की रानी। सॉरी बोल रहे हो, पापा के डांट रहे हो। पापा? अरे तुम ईशिमा हो, ईशिमा। अरे मैं तो भूल ही गई। सब भूल जाती हो तुम, मेरी छुटकू सब भूल जाती है। हद हो गई। यहां मैं इसको थैंक यू बोलने की सोचा और कि मेरी बेटी के साथ मिलकर उससे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे, मेरा ही मजाक उड़ा रहे। किसी थैंक यू के लायक नहीं है।
माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खाना वहीं खा लूंगा। पर पुत्र। बस जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, प्लीज। माधवी मैं यही आई थी पास में, लेकिन सोचा चलो चलते चलते आपसे भी मिलके चलती हूँ। वो क्या है ना, आपके यहाँ इतना ड्रामा होता है, इतना ड्रामा होता है कि लगता है प्री की मूवी देख ली हो। अरे हाँ, हम लोगों ने सोचा है सुबह के बेटे का नामकरण संस्कार हम करेंगे 14 अप्रैल, यू नो ना, अवर तमिल न्यू ईयर। नल्ला इरुके। लेकिन क्या है ना, नहीं हो पाएगा, पूरा प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। अरे सुबह चेन्नई से आ ही नहीं सकता है, नो टाइम। हेलो आंटी, देखिए मैंने इतनी शॉपिंग की कि ऐसा लग रहा है पूरा लाजपत नगर की मार्केट खाली कर दी है। रिशा, ये वंदिता की मदर इन लॉ है। नमस्ते आंटी। और ये त्रिशा है, लंदन से आई है, हमारे पास रहती है। अच्छा, इंडिया घूमने आई हो? नहीं आंटी, लड़का देखने के लिए। वाह, सो स्वीट। कौन है वो लक्की गाय? त्रिशा। मिहिर। क्या क्या नाम बताया? जी मिहिर, हम जल्दी शादी करने वाले हैं। आंटी मैं रख के आती हूँ। माधवी, ये वही मिहिर है ना जिसके चक्कर में मिहिका पड़ी थी? अयो कड़ौले, एमएमएस बनाया था ना दोनों का, ये त्रिशा को पता है? अयो आपको सोच समझकर बोलना चाहिए ना, बीका के साथ जो हुआ वो रियल नहीं था, सब उसका गॉसिप बनाकर उसका तमाशा करते हैं। नन्नल्ला, मेका हमारी डॉटर जैसी है। अयो मैं कब बोल रही हूँ, वो तुम्हारी डॉटर नहीं है। अरे इस घर की बच्ची है, इसके लिए तो वरी कर रही हूँ ना मैं। क्या है, घर की बच्ची, नो शादी, घर में बैठी फिकर तो लगी रहेगी ना। ये अन्य शौलगन है, ये मिहिर जिसने एमएमएस बनाया वो शादी कर रहा है त्रिशा के साथ, लंदन वाली के साथ। और जिसका एमएमएस बना है वो तो बिचारी घर में बैठी है। पता है ये सब झूठ है, लेकिन लोग तो बोलेंगे ना माधवी। अरे रिमोट कहाँ है, जरा टीवी चलाना है, एक बहुत ही बैड न्यूज़ है। क्या हो गया? और इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव के अनुसार ट्रांस यमुना के लोगों को घर से बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। दंगे फसाद की खबरें हर जगह से आ रही है। अरे हमारे इलाके के एमएलए की डेथ हो रही है। अयो मल्होत्रा, अयो वो तो इस साल भी खड़े हुए थे ना इलेक्शन में। हाँ, उनकी पार्टी वालों ने अपोजिशन में ब्लेम लगाया है, अब पूरे नॉर्थ दिल्ली में कर्फ्यू लग गया है, रॉइट्स हो रहे हैं। अयो खड़ा हो रहे। इलेक्शन कमीशन ने पूरे ट्रांस यमुना में 24 घंटे का कर्फ्यू ऐलान किया है, अपना पटपड़गंज, नोएडा और हमारा ये मयूर विहार, सब जगह कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। अयो अब मैं घर कैसे जाऊंगी? नहीं नहीं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी संपत जी से फोन करके बात कर लूंगा, डोंट वरी। अयो थैंक यू सो मच। अयो मुरुगन, ये तो पूरी रात मेरा दिमाग खराब करेगी। ओए ये क्या, ये पापा जी का स्टॉक है, दिखिया बड़ा सही है यार। और क्या बना फिर, एक पापा के लिए ना तुझे। और क्या, अयो रोमी आज अष्टमी की पूजा की है, आज कोई नहीं पिएगा, रख दे इसे। क्या न्यूज में? और पापा जी, मम्मी जी की पार्टी छड़ी कैसी चल रही है? ओ पुत्र, तेरी मम्मी ना इस मौके का पूरा फायदा उठा रही है, उसे बाहर के दंगों से कोई लेना देना नहीं, वो तो अंदर बैठी ही दंगे मचा रही है। दंगा तो तब होता जब मम्मी जी की कोल्ड ड्रिंक ना लोटेड होती। और हाँ जीजा जी, देखना चाहिए जब ये सब औरतें पीकर झूमती रहती है। वैसे पापा जी, आज तो आपने ना मम्मी जी को सूखा सूखा ही रखा है। हाँ नहीं तो सिमी क्या बोल रही है, दामाद जी का तो ख्याल कर। कोई नहीं पापा जी, असली पंजाबी आदि शान होती है ये तो। आज तो मम्मी जी ना बिना लोटी ही रहेंगे। पापा जी मैं अपने लिए जूस लेके आता हूँ। हाँ ठीक है पुत्र। आपके लिए कुछ लाओ। ऑरेंज जूस। चल थैंक यू। ऑरेंज जूस चाहिए आपको शिता जी? कोई नहीं, वो तो हम दे देंगे आपको। वैसे भी आज रमन भाई रात में तो आ नहीं रहे,
नशे की हालत में झूम झूम के किसकी बाहों में गिरेंगे आप? एक गिलास जूस आपके